आज हम बनाएंगे बहुत ही कम सामान में एक बर्फी की रेसिपी। एक कप सूजी से मुंह में घुल जाने वाला सूजी के बर्फी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी के बर्फी बनाने के लिए पहले एक पैन में हम 4 चम्मच घी गरम करेंगे। देसी गाय का घी है, इसमें सूजी का जो बर्फी बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। ये पतला दाना वाला सूजी है, अगर मोटा दाना होगा उसको ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर ले। फिर घी में 1 कप सूजी डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक सूजी सुनहरा कलर नहीं हो जाता तब तक हम उसको भून लेंगे। 7 से 8 मिनट घी के साथ सूजी को भूनने से सूजी में एक बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। अब सूजी को हम अच्छे से भून लिए हैं। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सूजी को थोड़ा सा ही ठंडा होने देंगे। सूजी जब ठंडा हो जाएगा उसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन गर्म में हम ऐड नहीं करेंगे। अब सूजी थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब हम सूजी में 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से जो बर्फी हम बनाएंगे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब ये जो मिल्क पाउडर डाले हैं सूजी के साथ अच्छे से हम उसको मिला लेंगे। अब ये सूजी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और वही पैन में अब हम शक्कर डालेंगे। शक्कर हमने 1 कप से थोड़ा कम लिया है। अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। 1 कप सूजी लिया था तो 2 कप पानी और 1 कप से थोड़ा कम हम शक्कर डाले हैं। अगर कोई मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप डाल सकते हैं। अब हम चाशनी नहीं बना रहे हैं तो ये पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस 2 मिनट के लिए इसमें उबाल आने देंगे। अब हमने जो सूजी को भून के रखे थे उसको ये शक्कर वाला पानी में डालेंगे और जल्दी से इसको मिला लेंगे, क्योंकि सूजी में लम्ब्स पड़ जाते हैं तो इसको जल्दी से हम भून लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको भी मिला लेंगे। बस 1-2 मिनट में सूजी पानी को सोख कर लेगा। अब इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक बर्फी जमाने वाला मोल्ड लेंगे। अगर मोल्ड नहीं होगा तो हम एक बच्चों का जो टिफिन बॉक्स होता है वो लिए हैं। अब इसमें जो सूजी को हम सेट कर देंगे, स्पैचुला की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे तो सूजी अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसको आधा घंटा के लिए ऐसे छोड़ देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे तो भी ये सेट हो जाता है। अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। हमने बटर पेपर डाले थे और बटर पेपर में थोड़ा सा ही घी लगा दिए थे पहले से। अब हम ये बटर पेपर को निकाल देंगे और जो बर्फी है हम इसको कट करेंगे। सूजी के बर्फी को हम मिल्क केक के तरह लंबाई में कट करेंगे। देखने में बहुत सुंदर लगता है मिल्क केक के तरह, और इसको आसानी से जिस शेप में चाहो कट कर सकते हैं। आप इस सूजी के बर्फी को बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, और कहीं पे ट्रैवल पे जाते हैं तो आप इसको टिफिन में पैक करके साथ में ले सकते हैं। और इसको टिफिन में पैक करके आप फ्रिज में 6-7 दिन तक रख सकते हैं, ये कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो आप भी घर में ये रेसिपी को बनाइए, आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। अगर रेसिपी पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल में आपको हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं।